जय श्री राधे। यदि वहाँ कोई विनियोग न्यास आदि नहीं है तो आप शिव सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं, कोई भी हानि नहीं है। और कामना यही रहे, क्योंकि शिव जी जो हैं वैष्णवों में अग्रगण्य हैं और परम वैष्णव हैं, वो राधा कृष्ण या राम सीता की भक्ति प्रदान कर सकते हैं, करते हैं। तो आप शिव सहस्त्र नाम पढ़ते समय मन में यही धारण करें कि प्रभु आप भोले भंडारी हैं, शीघ्र प्रसन्न होने वाले हैं, आप प्रसन्न होकर मेरे को राधा कृष्ण की भक्ति प्रदान कीजिए। एक बात, परम पूज्य यूट्यूब से सुनता हूँ, क्या ये मेरा सत्संग माना जाएगा? जी हाँ, ये सत्संग माना ही जाएगा। आप किन्हीं भी संत को सुने, सत्संग का मतलब जितनी देर तक सत्व विषय का, सत्व रज तम, सत्य माने शांत शुद्ध, रज माने चंचल, तम माने हिंसक। जब तक आप सत माहौल में हैं, किसी भी कारण से आप मोबाइल पर सत्संग सुन रहे हैं, तो आप सत्संग ही माना जाएगा, पक्का माना जाएगा। और वो हृदय पर यदि अच्छे संत हैं, और ये दोनों अच्छे ही संत हैं, इनका हृदय पर प्रभाव पड़ेगा। आपने राधा नाम महिमा सुनी है प्रेमानंद जी महाराज से, तो संत से नाम दीक्षा प्राप्त हुई? नहीं, ये नाम दीक्षा नहीं मानी जाएगी, फ़ोन पर भी नहीं मानी जाएगी। उनको आप श्रवण गुरु मान सकते हैं, प्रेमानंद जी को, हनुमान प्रसाद पोद्दार जी को, या जिनको भी आप सुनते हैं, वो आपके श्रवण गुरु हैं। मन ही मन आप उन्हें प्रणाम कर सकते हैं। श्रवण गुरु अनेक हो सकते हैं, आवश्यक नहीं कि एक ही हो, लेकिन कोशिश किया जाए कि एक ही मत से एक ही विषय के वैष्णवों को सुना जाए। और जितने अधिक आचरणशील वैष्णव होंगे, उनका उतना अधिक प्रभाव पड़ेगा। माया को त्याग दो, माया को त्याग दो, माया को त्याग दो, जो ये उपदेश करें और स्वयं माया में विचरण करें, माइक वस्तुओं में आनंद लें, माइक वस्तुओं का प्रयोग करें, तो उनकी बात का प्रभाव हृदय तक नहीं पहुँचेगा। हाँ, यदि वो सामर्थी हैं, हमें देखने में तो लग रहा है कि माइक वस्तुओं का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन हृदय से उनकी माइक वस्तुओं में आसक्ति नहीं है, हृदय उनका प्रिया प्रीतम के चरणों में लगा हुआ है, तो उनके उपदेश प्रभाव करेंगे, आपके हृदय तक जाएंगे। आप अवश्य राधा नाम लेते रहिए, ये सुनते रहिए, और शिव सहस्त्र नाम पढ़ना है तो आप पढ़ लीजिए, कोई हानि नहीं है। शिव आपको इधर ही भेजेंगे, शिव का सहस्त्र नाम पढ़ के शिव को इष्ट न बना लेना। शिव को इष्ट बना लेंगे तो आप शैव हो जाएंगे, हालांकि ऐसा होने की उम्मीद नहीं है, ना ऐसा होगा। आप राधा कृष्ण को ध्यान में रख के सहस्त्र नाम पढ़ेंगे तो राधा कृष्ण के चरणों में आपकी रुचि होगी, भक्ति होगी, आनंद होगा। जय श्री राधे, जय निताई।